ఇండియాకు సంబంధించినంత వరకు అన్ని దేశాలతోనూ సత్సంబంధాలను కొనసాగించాలనే కోరుకుంటున్నామని ఇదే సమయంలో ఆత్మాభిమానాన్ని దెబ్బతీసే ప్రయత్నాలు చేసినా రెచ్చగొట్టినా బుద్ధి చెప్పే తీరుతామని రక్షణ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్ హెచ్చరించారు ఓ జాతీయ ప్రత్యేక ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చిన ఆయన ఇండియాను రెచ్చగొట్టే వారిని విడిచిపెట్టబోమని ఏమాత్రం ఉపేక్షించకుండా తగిన చర్యలు తీసుకుంటామని అన్నారు बनी रहेगी स्वाभाविक है डिप्लॉयमेंट कैसे कम, हुआ। तो भी नहीं। ना ना हमारा कम होगा तो नहीं समझता हूँ कम नहीं होगा तो स्टेटस को, को किसी तरह से पॉजिटिव डेवलपमेंट नहीं माना जा सकता हाँ डेवलपमेंट नहीं मानता हूँ जी हाँ लेकिन बातचीत चल रही है इसलिए बातचीत के द्वारा कोई ना कोई सकारात्मक परिणाम निकले तो बातचीत यह हमारी अपेक्षा है बातचीत बैक चैनल्स के जरिए चल रही है क्योंकि अभी तक डेट तो अनाउंस नहीं हुआ मिलिट्री लेवल के हो या फिर डिप्लोमेटिक लेवल के हो बैक चैनल चल रहे हैं नहीं नहीं उनके उनके भी हॉटलाइन मैसेज आए थे हमारे भी हॉटलाइन मैसेज उनको गए हैं बराबर अभी किन किन मुद्दों पर बातचीत होगी इस संबंध में मैसेजेस का आदान प्रदान दोनों देशों के बीच हो रहा है सर पचास साल के बाद 2020 में बुलेट्स चली हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर आ, आप रक्षा मंत्री हैं आपको क्या लगता है कि शांति की कोई संभावनाएं आपको जरा भी दिख रही हैं भारत तो सदैव से ही विश्व शांति पूजा दे रहा है केवल भारत और चाइना के बीच ही शांति भारत नहीं चाहता रहा है भारत तो विश्व शांति का पूजा रहा है हम शांति तो सदैव चाहते हैं ये तो गोल हुआ ना सर ये तो एक जैसे कहते हैं कि एक पॉलिसी मैटर है कि शांति कौन कहेगा कि हम शांति नहीं चाहते शांति तो हर मुल्क कहता है कि हमें शांति चाहिए लेकिन एक एक एक्सपेंशनिस्ट गोल है चाइना का दूसरों की जमीन हड़पने का ऐसी स्थिति में शांति कैसे हो सकती है किसी भी मुल्क के साथ नहीं यदि कोई देश विस्तारवादी है एक्सपेंशनिस्ट है और भारत के भूमि पर कब्जा करने की कोई कोशिश करता है तो टुकड़े को हड़पने की कोशिश करता है तो भारत के अंदर वह ताकत है भारत के अंदर वह कूबत है कि किसी भी सूरत में अपनी ज़मीन को किसी दूसरे देश के हाथ में नहीं जाने देगा चाहे दुनिया का कोई भी देश हो सर आप कहते हैं कि भारत में क्षमता है ताकत है लेकिन बहुत ऐसे डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं हमारे मुल्क में और बाहर जो कहते हैं कि चाइना का मुकाबला हम बिल्कुल नहीं कर सकते ना हमारे पास फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज़ है ना हमारे पास डिफेंस की कैपेसिटी है हम तुलना भी नहीं कर सकते लड़ाई करने की बात अलग है अब ऐसे एक्सपर्ट्स के अपने अपने विचार हो सकते हैं अपनी अपनी ओपिनियन उनकी हो सकती है लेकिन इतनी बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारे भारत के सेना के जवानों ने जिस संयम शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है उसे हम भारतवासियों को हम अपनी सेना के ऊपर नाज है फक्र है यह मैं दावे के साथ कह सकता हूँ जी पर यह सेना के बारे में नहीं है आ, ये कहना है कि मतलब उनका कहना कि ये सेना की गलती नहीं है ये हमारे लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ जो रही हैं हमने कभी डिफेंस को एक ऑप्टिमम लेवल पे हम कभी नहीं ला पाए सालों साल क्योंकि हमारे में हम एक मिलिट्री पावर नहीं रहे हैं हम एक सॉफ्ट पावर रहे हैं हम एक डेमोक्रेसी हैं एक डेवलपिंग पावर हैं नॉन एक्सपेंशनिस्ट है इसकी वजह से नेशनल सिक्योरिटी डिफेंस ये सब सेकेंड प्रायोरिटी लिस्ट पे आ जाता था देखिए आजादी हासिल होने के बाद जितनी भी सरकारें रही हैं चाहे किसी भी राजनीतिक पार्टी की सरकार रही हो सिक्योरिटी को सवाल को लेकर मैं किसी के ऊपर कोई सवालिया निशान नहीं लगाना चाहता हाँ इतनी बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जब से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार बनी है सुरक्षा हमारी प्राथमिकता